मेजेरियम मेडिसिन है, इसके प्रूवर स्टाफ हैं। कौन है? ई स्टाफ। मेजेरियम के प्रूवर हैं स्टाफ। डाफनी मेजेरियम, इसका कॉमन नेम है, क्या है? डाफनी मेजेरियम। डाफनी की स्पेलिंग देखें, DAPHNE, डाफनी मेजेरियम, इसका कॉमन नेम है। स्टाफ इसके प्रूवर हैं। और फैमिली कौन सी है? तो फैमिली भी इम्पोर्टेंट है इसकी। थाइमिलेसी, थाइमिलेसी फैमिली है। THY थाई और मिलेसी, थाइमिलेसी फैमिली है। तो 1 मिनट पूरा हमने दिया मिजेरियम के कॉमन नेम याद करने में। डाफनी मिजेरियम कॉमन नेम है, स्टाफ इसके प्रूवर हैं, थाइमिलेसी जो है वो फैमिली है। इंट्रोडक्शन देखें मिजेरियम का क्या लिखा है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द मटीरिया मेडिका बाई स्टाफ, बट प्रूविंग किसने की है? हैनेमन ने। देखो इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोड्यूस किसने किया है इस मेडिसिन को, मिजेरियम को? स्टाफ ने। पर प्रूविंग किसने की है? अपने हैनेमन ने, डॉक्टर हैनेमन ने। ठीक है, इसकी प्रूविंग डॉक्टर हैनेमन ने की है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, मिजेरियम जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है स्किन के लिए, स्किन अफेक्शन के लिए। ठीक है, तो मिजेरियम का मेन एक्शन तो स्किन ही है। और इसको वेजिटेबल मर्क्यूरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेबल मर्क्यूरी, वेजिटेबल मर्क्यूरी भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन में ये इंपॉर्टेंट लिखा है। स्फेयर ऑफ एक्शन देखें मिजेरियम का कहाँ पे है? स्किन पे है, बोन्स में कैरीज वगैरह करवाती है। ठीक है, सिफिलिटिक मियाजम है इसका, तो बोन्स में, टीथ पे भी अच्छा अफेक्शन है। मेंटल सिम्टम्स भी इंपॉर्टेंट है इसके, नर्व और माइंड पे भी इसका अच्छा एक्शन है। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेन स्फेयर ऑफ एक्शन मिजेरियम का क्या हो गया? मिजेरियम मेडिसिन है, मिजेरियम। ठीक है, इसका स्फेयर ऑफ एक्शन मेन इंपॉर्टेंट कहाँ पे हो गया? स्किन पे, बोन्स, टीथ, नर्व एंड माइंड। कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ये लाइट पर्सन को सूटेड है, स्पेशली सूटेड टू लाइट पर्सन, फेयर कॉम्प्लेक्शन, लाइट हेयर वाले। ठीक है, इरेजोल्यूट पर्सन, इरेजोल्यूट। ठीक है, जो एक बार जो काम स्टार्ट करते हैं, जो उसको फॉलो नहीं कर पाते ना, वैसे इरेजोल्यूट पर्सन पे ये सूटेड है। फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट है इसका, स्लो, स्लगिश, डल, लेजी होते हैं पेशेंट। ठीक है, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा डल हो, लेजी हो, स्लो हो, ठीक है, तो वैसी फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट को ये सूटेड है, वैसे पेशेंट को। चिली पेशेंट है, बहुत ठंड लगती है। सोरा सिफिलिस मियाजम है, सोरा सिफिलिस जो है वो मियाजम है। गाइडिंग सिम्टम्स देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम फर्स्ट क्या लिखा है मिजेरियम में? बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, स्पेशली स्किन इरप्शंस। तो वैक्सीनेशन के बाद अगर किसी को स्किन इरप्शंस की कंडीशन हो रही हो, ठीक है, स्किन में इरप्शंस हो रहे हो इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन की वजह से, बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, स्पेशली स्किन इरप्शंस अगर हो रहे हो, तो वन ऑफ द मेडिसिन कौन है हमारी? मिजेरियम। ठीक, बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन में एंटीमोनियम टार्ट है, थूजा है, क्रोटेलस होराइडस है, और साइलेशिया भी मेडिसिन है। तो ये सारी मेडिसिन हैं बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन के लिए। और स्पेसिफिकली अगर स्किन इरप्शन हो रहा हो वैक्सीनेशन के बाद, तो मिजेरियम मेडिसिन है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या लिखा है कि मिजेरियम का एक्शन जो है वो वायलेंस, वायलेंस देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा वायलेंट इचिंग होगी स्किन इरप्शन में, वायलेंट पेन होगा, तो वायलेंस बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्ड है मिजेरियम में। क्या इंपॉर्टेंट है? वायलेंस। ठीक है, वायलेंस बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्ड है इसका, मार्क्ड फीचर है। थर्ड क्या लिखा है? पेशेंट वेरी मच सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, क्योंकि चिली पेशेंट है तो सेंसिटिव होगा, कोल्ड से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड एयर। पेन ऑफ वेरियस काइंड विथ चिलीनेस, तो जहां पे भी दर्द होता है एसोसिएटेड सिम्टम, ठंडी बहुत लगेगी, चिलीनेस बहुत मार्क्ड रहेगा। अल्सर्स होते हैं तो स्किन अफेक्शन में, अल्सर्स कैसा है? थिक वाइट येलो स्कैब अंडर विथ थिक येलो पस कलेक्ट, तो येलो कलर का पस कलेक्ट हो जाता है जब भी अल्सर्स होगा, तो स्कैब बनेगा है ना, ड्राई जो अपना एपिडर्मिस जो है वो थिक होके जो ब्लैक हो जाती है, तो वो स्कैब तो बन जाएगा, उसके नीचे व्हाइट और येलो कलर का पस जमा होगा, तो थिक व्हाइट येलो कलर का स्कैब बनता है, और थिक व्हाइट येलो कलर का ही पस कलेक्ट हो जाता है, वैसे वाले अल्सर्स में हमें इंडिकेटेड है ये मेडिसिन। हेड जो है इट इज पर्टिकुलरली कवर्ड विथ थिक लेदर लाइक क्रस्ट, तो जो हेड है, जो भी पेशेंट है उसका जो हेड है, उसके ऊपर थिक लेदर लाइक
क्रस्ट देखने को मिलेगा। कैसा? इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम है इसका, लेदर लाइक क्रस्ट देखने को मिलेगा मिजेरिया मेडिसिन में। ये सारे स्किन अफेक्शन है। हेड सिम्टम्स इम्पोर्टेंट, हेड के अंदर क्या सिम्टम आ गया? थिक लेदर लाइक क्रस्ट देखने को मिलता है। अल्सर भी इसका कैसा है? थिक व्हाइट येलो कलर का स्कैप देखने को मिलेगा जिसके अंदर येलो कलर का पस देखने को मिलता है। फेशियल न्यूरालजिया अगर देखने को मिल रहा है आफ्टर इरप्टिव डिजीज, इरप्टिव डिजीज कोई सी भी स्किन इरप्शन वाली डिजीज हुई, मीजल्स हुआ, चिकन पॉक्स हो गया, है ना, तो वैसी डिजीजेस के बाद अगर न्यूरालजिया के कंडीशन देखने को मिल रहा है, फेशियल न्यूरालजिया आफ्टर जोना मतलब इरप्टिव डिजीज के बाद, तो वहां पे भी हमें मिजेरियम इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, ठीक कर देगी, ठीक है। मिजेरियम टूथेक व्हेन द पेन्स आर एग्रावेटेड बाय ईटिंग, तो टूथेक ऐसी टूथेक जहां पे दांत में दर्द हो रहा है आफ्टर ईटिंग। इन मिजेरियम अफेक्शंस गो फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जितने भी स्किन अफेक्शंस होते हैं अबव डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे बढ़ते हैं, विद इन आउटवर्ड अंदर की बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, और राइट टू लेफ्ट बढ़ते हैं, ठीक है, स्किन अफेक्शंस इसके मिजेरियम के अंदर। एग्रावेशन कब होगा? क्योंकि सोरा सिफिलिस में आजम है तो एग्रावेशन नाइट एग्रावेशन देखने को मिलता है, एग्रावेशन एट नाइट। तो ये इसके इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम्स हो गए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम मिजेरियम में क्या है? बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन की वजह से अगर स्किन डिजीज आ रही है तो हमें देना है। एक्शन इज कैरेक्टराइज बाई वायलेंस, वायलेंस पेन, वायलेंट पेन होगा, वायलेंट इचिंग होगी, पेशेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव टू कोल्ड एयर होगा, ठीक है, पेन के साथ चिलीनेस मार्क्ड रहेगी, अल्सर्स और स्किन अफेक्शन के अंदर थिक व्हाइट येलो कलर की स्कैब देखने को मिल सकता है, हेड जो है पर्टिकुलरली कवर्ड विथ थिक लेदर लाइक क्रस्ट। फेशियल न्यूरालजिया अगर देखने को मिले पेशेंट में आफ्टर इरप्टिव डिजीजेस तो वहां पे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, एग्रावेशन एट नाइट है। एलिमेंट्स इसको कहाँ से आते हैं? तो एलिमेंट्स वैक्सीनेशन के बाद आफ्टर अब्यूज ऑफ मर्क्यूरी, एल्कोहल, एंगर, ठीक है, एंगर से भी। तो मेंटल सिम्टम्स देखते हैं माइंड, तो माइंड में इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है? मेंटली द पेशेंट इज हाइपोकॉन्ड्रियाक, हाइपोकॉन्ड्रियाकल पेशेंट होता है, सैड डिस्पोंडेंट होता है, होपलेस हो जाता है ना, सैड है, डिस्पोंडेंट है, इज इनडिफरेंट टू एवरीथिंग एंड एवरीवन, इनडिफरेंस में है पेशेंट, एवरीथिंग एंड एवरीवन को लेके इनडिफरेंट, कोई मतलब नहीं है। इजिली बिकम एंग्री एट ट्रिफल्स एंड एट परफेक्टली हार्मलेस थिंग्स और वर्ड्स बट इज सून सॉरी फॉर इट, छोटी छोटी बिना बात के बात के गुस्सा होता है, छोटी छोटी बातों पे, हार्मलेस थिंग, हार्मलेस वर्ड्स पे गुस्सा होता है, बट फिर बाद में सून सॉरी फील करता है कि गुस्सा क्यों गया करके। वीक मेमोरी विथ एबसेंट माइंडेड देखने को मिल रहा है, ग्रेट एवर्जन टू टॉकिंग, एबसेंट माइंडेड है। कैसा है पेशेंट? एबसेंट माइंडेड, एबसेंट माइंडेड है और एवर्जन टू टॉकिंग। देर इज फियर एंड एप्रीहेंशन एंड फेंटनेस एज इफ समथिंग वुड हैपन, ऐसा लगता है कि कुछ हो जाएगा, ठीक है, एप्रीहेंशन फीलिंग होती है, फियर होता है उसको। फेंटनेस जो है इट इज कॉज्ड बाय